हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अडोबी स्कान पीडीएफ स्कैनर ओसीआर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो गाइस, ये कि अच्छा और बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वी फ्लैट का। तो गाइस, जो लोग वी फ्लैट यूज़ कर रहे हैं, जो लोग वी फ्लैट में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो फिर आपके लिए ऑल्टरनेटिव है कि आप अडोबी स्कान यूज़ कर सकते हैं। वी फ्लैट भी एक अच्छा एप्लीकेशन है। फिर भी लेकिन आपको यदि वी फ्लैट अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप अडोबी स्कान यूज़ कर सकते हैं। अडोबी स्कान पे भी आपको यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ आप यदि स्टूडेंट हो तो फिर आपका जो बुक्स है उसको स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे पीडीएफ ओपन करके पढ़ सकते हैं। या फिर आप यदि कोई ऑफिशियल काम करते हो तो फिर आपका जो ऑफिशियल का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अडोबी स्कान है ये एक अच्छा एप्लीकेशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अडोबी ने ये खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, और अडोबी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि अडोबी फोटोशॉप लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए, या फिर फोटोशॉप यूज़ करते हैं अडोबी फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ पे अडोबी का बहुत सारा एप्लीकेशन 100% अवेलेबल है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडोबी का जो ये स्कैन एप्लीकेशन देख रहे हैं ये अडोबी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका जो फाइल्स है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डिटेल्स को ये सेफली रखता है। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। 28 MB का ये एप्लीकेशन है। 4.7 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिल चुका है। 15 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी रिव्यू दे चुके हैं, जैसे आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू इस एप्लीकेशन को मिला है, राइट। तो गाइज, ये एक अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि यार लोग अडोबी का फोटोशॉप यूज़ करते हैं। अडोबी का फोटोशॉप यूज़ करने के साथ साथ अडोबी का जितने भी सारे एनिमेशन एप्लीकेशन है वो भी यूज़ करते हैं। तो अडोबी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अडोबी की अच्छी कंपनी है। लोग फिल्मी इंडस्ट्री भी अडोबी का सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे यूट्यूबर्स और वीडियोज़ को या फिर फोटोज़ को एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉपर या फिर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी अडोबी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो फिर ये अडोबी का खुद का एक एप्लीकेशन है, अडोबी स्कान पीडीएफ स्कैनर ओसीआर। तो गाइज, हम इस एप्लीकेशन को चलो डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कैसे आपको यूज़ करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अडोबी का खुद का एप्लीकेशन है, तो उसका होम पेज कुछ इस तरह से। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम पेज पे ये मेंशन किए हैं कि आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपके पास अकाउंट है तो फिर लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना है ना, यहाँ पे साइन इन हुई थी गूगल या फिर साइन इन हुई थी फेसबुक, साइन इन हुई थी एप्पल, आपके पास कोई भी आईडी है तो फिर आप आईडी देकर भी साइन इन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल आईडी यानी कि ईमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। और गाइज, उसके बाद आपका जो ईमेल है उसमें एक ओटीपी गया है, ओटीपी को कॉपी करना है और यहाँ पे आकर उसको पेस्ट करना है। और उसके बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है, उसमें क्या होगा ना, आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा, राइट। गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जितने भी सारे परमिशन मांगेगा आपको उसको अलाउ कर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जितने भी सारे परमिशन मांग रहा था मैं उसको अलाउ कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं उसके बाद आपका जो कैमरा है ओपन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी पिक्चर्स या फिर जो कोई भी आर्टिकल को आपको कैप्चर करना है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे मतलब कि अच्छा से कैमरा रख दो, उसके बाद क्लिक कर दो, राइट। तो क्लिक करने के बाद आपका जो पिक्चर्स है ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और आप जितने चाहे उतना पेज को स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाता है, लेकिन आप यदि बाई डिफ़ॉल्ट यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कर्व तो फिर आप यहाँ पे आपके हिसाब से फ़ोटोज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे करके आपको वो जितने भी सारे पेज है उसको कैप्चर करना है तो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यार, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जितना पेज हो सके उतना पेज को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्लिक भी करना नहीं पड़ता है कोई भी पेज को, यदि आपको स्कैन करना है सिंपल सा आप उस पेज पे कैमरा रख दो, ये ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, होल्ड एंड स्टेडी कैप्चरिंग, राइट, ये ऑटोमेटिक कैप्चर होते जा रहा है। तो एक अच्छा ऑप्शन है भाई, आपको यानी कि कैप्चर भी नहीं करना पड़ेगा, क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ होने वाला है, राइट। ये AI सिस्टम से ये डेवलप किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये डेवलप किया गया है, तो ऑटोमेटिक ये डेवलप हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और ये कैप्चरिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। तो गाइज, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है वी फ्लैट का। जो लोग वी फ्लैट यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन जिनको वी फ्लैट अच्छा नहीं लगता है तो फिर ये अडोबी का स्कैन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो गाइस, ये थी अडोबी स्कान का एप्लीकेशन का छोटा सा रिव्यू। तो आपको ये एप्लीकेशन कैसा लग रहा है और आप ये एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। यदि आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो गाइस। मिलते हैं न्यू वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।